दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रचुरता की दुनिया में जीते हैं, कुछ लोग सीमाओं की दुनिया में जीते हैं। दोनों एक ही संसार में रहते हैं, लेकिन उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरह के लोग जो ये मानते हैं कि इतना ही मिल सकता है, या इतना ही पर्याप्त है, या मुझे हर चीज नहीं मिल सकती, या मुझे इसमें से और उसमें से किसी एक का चुनाव करना होगा। दूसरे तरह के लोग जो ये मानते हैं कि उन्हें ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, यानी उन्हें दोनों चाहिए। कुछ सामान्य से सवाल हैं, जैसे आप सफल प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, या अपने परिवार के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, या दोनों चाहते हैं। आप बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, या बहुत सारी यात्राएं करना चाहते हैं, या दोनों चाहते हैं। आप जीवन में पैसा चाहते हैं, या सार्थकता चाहते हैं, या दोनों चाहते हैं। आप बहुत सारी दौलत कमाना चाहते हैं, या अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं, या दोनों चाहते हैं। एक तरह के लोग हमेशा किसी एक को चुनते हैं, जबकि दूसरे तरह के लोग जिन्हें हम मानते हैं कि वो धनवान बन जाते हैं, वो दोनों को चुनते हैं। सच्चाई भी यही है कि थोड़ी सी रचनात्मकता के साथ आप हमेशा ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें आपको दोनों मिल जाएं। तो साथियों, जिंदगी में जब भी आपके सामने ये या वो चुनने का विकल्प आए, तो खुद से बस ये सवाल पूछें कि मैं ये दोनों कैसे पा सकता हूँ, और इस सवाल का जवाब आपकी जिंदगी बदल देगा। आपको अभाव और सीमा की दुनिया से संभावनाओं और प्रचुरताओं के ब्रह्मांड में ले जाएगा। संभव है कि कई बार महीनों तक आपको वो काम करना पड़े जिससे आप नफरत करते हैं, क्योंकि आपको खाना खाना है, किराया चुकाना है, अपने बाकी बिल भी चुकाने हैं। लेकिन इसके साथ ही दोनों को पाने का इरादा कभी मत छोड़िए। जो काम आपको नापसंद है, उसमें तब तक ही रहें जब तक कि आप कोई दूसरा तरीका नहीं ढूंढ लेते अपने बिल चुकाने का, और अपना किराया देने का, अपने भोजन का भुगतान करने का। और जैसे ही कुछ ऐसा मिल जाए जो आपको पसंद है, तुरंत उसमें शिफ्ट हो जाएं, और फिर आप ऐसे रास्ते पर होंगे जहां आगे जाकर आप धनवान भी बनेंगे और अपने मनपसंद का काम भी कर रहे होंगे। एक तरह के लोग जो ये मानते हैं कि उन्हें पैसे और जीवन के किसी दूसरे पहलू के बीच में चुनाव करना होगा, वो कई बार ये तर्क देते हैं कि पैसा बाकी चीजों जितना महत्वपूर्ण नहीं है। एक बात समझना जरूरी है कि ये कहना कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, या ये कहना कि खुशी महत्वपूर्ण नहीं है, या ये कहना कि दोनों में से एक ही चीज मिल सकती है, यदि कोई भी ये मानता है कि पैसा और खुशी अलग अलग हैं, यानी या तो आप धनवान बन सकते हैं या फिर आप खुश रह सकते हैं, सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड के लेखक टी हार्व एकर कहते हैं कि ये बस खराब प्रोग्रामिंग का असर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सोचना भी गलत है कि दुनिया की सारी दौलत अमीरों के पास है और वे उसे इकट्ठा करके रख रहे हैं, जिसके कारण बाकी लोगों के लिए कुछ बच ही नहीं पाता। सीमित विश्वास वाले लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि उसी पैसे का बार बार प्रयोग किया जा सकता है, जिससे हर एक के लिए उसका मूल्य बढ़ते जाता है। यदि इस बात को एक उदाहरण से समझें कि यदि आप 5 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दें और 100 का नोट पहले व्यक्ति को दें, उससे कहें कि वो 100 के नोट से दूसरे व्यक्ति से कुछ खरीदे। मान लीजिए उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कोई नोटबुक खरीदी, अब ये 100 का नोट दूसरे व्यक्ति के पास है। अब दूसरे व्यक्ति से कहें कि वो तीसरे व्यक्ति से कुछ खरीदे, तो दूसरे व्यक्ति के पास कुछ सामान है और तीसरे व्यक्ति के पास अब 100 का नोट पहुंच चुका है। इसी तरह ये 100 का नोट चौथे व्यक्ति के पास पहुंचेगा, और फिर 5वें व्यक्ति के पास पहुंचेगा, और 5वें व्यक्ति के पास से भी किसी न किसी के पास पहुंचेगा। 100 का नोट कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जितने हाथों से ये गुजरेगा
उसके बदले में उन्हें कोई ना कोई अच्छी चीज, कोई ना कोई मूल्यवान चीज दे के गुजरेगा। तो पैसा कभी खत्म नहीं होता, आप उसी पैसे का इस्तेमाल बरसों तक हजारों लोगों के साथ कर सकते हैं। और आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, आप उतने ही ज्यादा पैसे को प्रवाह में रख सकते हैं, उतने ही ज्यादा आपके पास मौके होंगे कि आप लोगों को उनकी जरूरत का कुछ न कुछ सामान देकर आगे बढ़े। यानी आप एक दयालु, प्रेमपूर्ण, प्रवाह करने वाले, उदार और आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं और इसके साथ ही बेहद धनवान भी। आप इस मिथक को बिल्कुल भुला दीजिए कि धन किसी तरह से बुरा होता है या धनवान बनने के बाद आप कम अच्छे या कम पवित्र हो जाएंगे। साथियों, दयालु, उदार और प्रेमपूर्ण बनने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पर्स में क्या है और क्या नहीं। इन गुणों का संबंध तो इस बात से है कि आपके दिल में क्या है। पवित्रता और आध्यात्मिकता का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में क्या है या क्या नहीं। इन गुणों का संबंध तो इस बात से है कि आपकी आत्मा में क्या है। ये सोचना कि पैसा आपको अच्छा या बुरा बनाता है, ये फिर एक बार बुरी प्रोग्रामिंग है जो आपकी खुशी और सफलता को बढ़ाने में जरा भी मदद नहीं करती। यदि आप सचमुच बिना सीमाओं वाला जीवन जीना चाहते हैं तो ये और वो का चिंतन छोड़ दें और दोनों को पाने के इरादे को कायम रखें, उस पर बने रहें। आपको करना ये है कि दोनों पाने के लिए सोचने और ऐसा करने के तरीके खोजने का अभ्यास करें। जब भी आपके सामने विकल्प प्रस्तुत किए जाएं तो खुद से पूछें कि मैं दोनों कैसे पा सकता हूं। आपको बहुत से उत्तर मिलेंगे, उन्हें लिखिए। उसमें से जो सबसे अच्छा उत्तर हो उस पर काम करें। जागरूक बने कि धन का प्रवाह हर व्यक्ति के जीवन में मूल्य बढ़ाता है। जब भी आप पैसा खर्च करें तो खुद से कहें कि ये पैसा सैकड़ों लोगों के पास से गुजरेगा और सबके मूल्य में वृद्धि करेगा। और हाँ, खुद को दूसरों का रोल मॉडल माने। दिखाएं कि आप धनवान होने के साथ ही दयालु, उदार, प्रेमपूर्ण भी हो सकते हैं। मनी ब्लूप्रिंट की सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने एक्शन प्लान पे बने रहिएगा और आपकी हमारी मुलाकातें बनी रहें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।